तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल को रीसेट मार सकते हैं, डाटा ऑल क्लिक कर डिलीट करके आप अपने फ़ोन को न्यू बना सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, आप जिस ईमेल आईडी से आपका मोबाइल चल रहा है उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पासवर्ड पहले पता कर लेते हैं। आपको अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड कैसे पता करना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने जीमेल को यहाँ से ओपन कर लीजिए। जीमेल को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे होम का ऑप्शन है, पर्सनल इन्फो का ऑप्शन है, डाटा एंड प्राइवेसी, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिक्योरिटी का, तो आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सिंगिंग साइन इन इनटू गूगल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पासवर्ड पता नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगेट पासवर्ड का, तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म योर स्क्रीन लॉक, क्या आपको अपना स्क्रीन लॉक पता है? तो मुझे स्क्रीन लॉक पता है, तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से इसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मेरा स्क्रीन लॉक जो भी है मैं इसे यहाँ से डाल देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपना स्क्रीन लॉक यहाँ पे डाल दिया, और इसके बाद ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू का, तो इस पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद दोबारा से कन्फर्म न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपको वही पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्म वाले पर डाल देना है। कि फ्रेंड्स दोनों में मैंने न्यू पासवर्ड डाल दिया, और यही वाला पासवर्ड कंफर्म न्यू पासवर्ड में डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपका जो योर पासवर्ड वाज चेंज हो चुका है, और इस तरह से आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मुझे जो है अपना ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो पता हो चुका है। तो इस तरह से चलिए अब हम इसे यहाँ से हम अपना जो मोबाइल को जो है रीसेट मारने के लिए तैयार है बिल्कुल, हमको अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड पता है। जीमेल का पासवर्ड पता करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने जीमेल को यहाँ से लॉग आउट कर देना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल का जीमेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां से जो भी आपके मोबाइल में जीमेल है उसको यहां से रिमूव कर देना है। देखिए यहां पर रिमूव अकाउंट लिखा हुआ है, यहां से इसे रिमूव कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा जीमेल है इसे भी यहां से टच करेंगे, और टच करने के बाद इसे यहां से रिमूव कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे मोबाइल से जो है जीमेल को हमने रिमूव कर दिया है, तो देख सकते हैं अभी मेरे मोबाइल में कोई भी जीमेल अकाउंट नहीं है। चलिए अब हम दिखाते हैं कि कैसे हमें अपने मोबाइल को रीसेट करना है। इसके लिए हम अपने मोबाइल के यहाँ से सेटिंग को ओपन कर लिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग का, तो आपको सेटिंग पर क्लिक सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट ऑप्शन का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे इरेज ऑल डाटा वाले ऑप्शन पे जो फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है इरेज ऑल डाटा, तो आपको ध्यान रहे फ्रेंड्स आपके मोबाइल में जितना भी डाटा है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। इरेज ऑल डाटा को यहाँ से फ्रेंड्स हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का जो भी पैटर्न होगा आप उसे यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद देखिए यहाँ पे इरेज ऑल डाटा फिर से लिखा हुआ है, तो फिर से हम इसे यहाँ से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फोन फ्रेंड्स आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और ध्यान रहे फ्रेंड्स आपको रीसेट करने से पहले आपका मोबाइल जो है 30% चार्ज होना ही चाहिए, तभी आपका फ़ोन रीसेट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये कुछ टाइम लग सकता है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। इस तरह से फ्रेंड आपका मोबाइल जो है यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप चाहे तो यहाँ पे लैंग्वेज
चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं बाद में कर लूँगा, अभी यहाँ स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखाएगा कि नॉट टू मोबाइल नेटवर्क, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्किप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसे स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से सेटअप ऑफलाइन ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन कर देता हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स आपके मोबाइल में यहाँ पे डेट टाइम का ऑप्शन आएगा। तो चलिए डेट टाइम को मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है, तो एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन का लॉक रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ से स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स स्किप दोबारा ऑप्शन है, फिर से मैं इसे स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे रीड फोन डिवाइस एक्टिवेशन का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट का, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा जो फ़ोन है बिल्कुल न्यू हो चुका है, जैसा मैंने नया फ़ोन ख़रीदा था उसी टाइप का फ़ोन हो चुका है। इसमें जो भी मैंने ऐप डाउनलोड किए थे वो सारे ऐप ख़त्म हो चुका है और जो मेरे हमको फ़ोन में मिला था वही यहाँ पे बचा हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर पाएंगे। तो ये जो फॉर्मेट मैंने किया है ये मैंने माइक्रोमैक्स के मोबाइल से किया है, हो सकता है अगर आपका कोई दूसरा कंपनी का मोबाइल हो तो कुछ उसमें अलग हो, लेकिन लगभग सब में इसी तरह का ऑप्शन होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।